अभी छुटे हाँ बाबूजी। अरे तू सुना सरो राजी खुशी तो आई है नहीं है यहाँ क्या पूछो बाबूजी। अरे आजकल सो रहा हूँ रोजो को नहीं बेटा अबे सास रहे दो चार हजार की प्राइवेट नौकरी समझे बॉस गई तो क्या होते मिट में छोड़ गावे। ना ना बापूजी एकदम राजी खुशी आई हूँ बस थोड़ी सी तबियत खराब है। अरे तेरे ने एक तबियत मन लागे आजकल सगलांगी हल्की कंपनी की होगी पूछा जी कैरी खराब पड़ी है क्या हो गया तेरी तबियत का। ना बस यही थोड़ी सी बुखार और चढ़ा है। आजकल बीने लेंगे ठंड मुंह पार बुखार बढ़े हर सीधी पीर वाली बस में चढ़ा है। अरे तो बापू जी मैं क्या मिच डी सासू चढ़ाई बे क्यों तेरी तबियत खराब है तो काम और देते हूँ हुई कौन सारा दिन सुती रही तो ये नाम कई दिन पिर जाई अब बट सुती रड़ सुती बात तो एक ही है। हाँ ले बात तो एक ही है कोई नहीं टकर ले रेस्ट बाकी कोई दवाई पानी लिया नहीं लिया कहीं सुख ही रेस्ट कर रही है। अभी तो सुख ही कर रही हूँ बापू जी सासू जी की योग पीर तो जावे ही है बट थार घर खन के लेने के बट दिखा लिए वा। अरे तोरी घणो किया दिखा दिखाना बुखार है कोनी बुखार चढ़ रही है नहीं तो फिर क्या क्या कोनी ले चल दिखा तू ना जा। थोड़ी देर बाद बापू जी गोली बुखार उतर तो दसी ने एक रे गोली ले गई तू पहला तो बैठ गए तने सो बार कह दवाई पानी ले तो बैठ गए लिया करो। हाँ क्या बोल कुआ गोले बुखार उतर तो दसी ने बेटा तेरे तो बुखार है जन उतर ही सी मेरे कौन ही तो ही उतर गई किया 1250 की आई है दवाई लियो खाओ बादाम तो को खाई जानी है तो खाओ। आप बार जी कह रही है बे क्यों तेरी तबीयत खराब है तो काम और देते हूँ हुई कौन सारा दिन सुती रही तो ये नाम कई दिन पीर जाई है बट सुती रड़ सुती बात तो एक ही है। सासू जी की योग पीर तो जावे ही है बट थार घर खन के लेने के बट दिखा लिए वा। पिछली बार भी आई थी नहीं सी बात ही ना बस ये आंग में फ्रैक्चर है कि कोई दर्द है के ध्यान जन सासू जी की होते मड़ काम तो उसी को नहीं जन 10-15 दिन पीरे जाइया बट रेस्ट भी कर लिए और तेरे घर कन जी को क्लिनिक है बड़ा सावर दिखा दवाई पानी भी ले लिए। बीसू लारली बार आई जन भी ना ये बस काम कुम करनो को नहीं हो जन सासू जी की 4-5 दिन पीरे जाइया तेरी घुमाई हो जी। बीसू लारली बार आई जन भी सी बात बीसू लारली बार आई जन भी सी बात। अगले दिन थोड़ी देर बाद और जी परिवार आनंद में है ना जी परिवार की सो आनंद में है। हाँ आनंद जरूर परिवार में है वो भी दूर के रिश्ते में। लो सगी जी मैं मस्करियां घनी होएगी 2 मिनट छोरी ने बुला दो मिल पर और पद जावा करे। मस्करियां घनी कटे होएगी साथ जी थोर तो अजे चल्लू है मतलब है तो छोरी थोरी घर है मिलाप ठेठे बाड़ो जड़े मस्करियां चल्लू ही हुई मारे घर है छोरी। हाँ काली तो छोड़ रहा है छोरो। अच्छा 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 काली छोड़ गए है के पावना। हाँ हाँ फिर हो सके सकी जी क्योंकि हूँ तो काल रोई बिन्ना के उड़ो और बिन्नू सिद्धो इन आयो क्योंकि मन ध्यान हो छोरी इन जब बिन्ने तो आप छोरी मिल गई चल जैसा पर इन आऊ जो ध्यान पड़े नहीं कि छोरी इन नहीं छोरी तो बिन्न है और जय हूँ सकी जी बिन्नू सिद्धो बिन्न निकल जाऊ नहीं तो इन चक्करी को पड़े नहीं बिन्ने बढ़ते ही टापड़ जाए कि छोरी तो वास्तव इन है। बाकी देखो थे सकी जी इन बिन्ना चक्कर में किन्ने से कोई कर रहे हैं बाकी छोरी राजी खुशी तो गई है नहीं पीरा। हाँ हाँ एकदम राजी खुशी गई है बस बीनी थोड़ी सी तबियत खराब है जने मैं ही कही बिने कि 2-4 दिन पी रह जाइया जी को रेस्ट भी हो जासी और बापू जी से मिलनो भी हो जासी। अब आएगा मजा। सगी जी मैं छोट छोटा आनी जन को झूठ बोलतो जो मैं यहाँ करता कूड़ो कूड़ो कूड़ो। बाकी अब सगी जी मोटा हो गया यहाँ करता लागा कोजा बताओ नी काने बिना फालतू झूठ बोलो। झूठ मैं कहीं झूठ बोली बीननी तारी तबियत खराब है जन काम तो तोड़े कर सके ही कोनी खाली सूती सूती बेड ने तोड़ी बेड तोड़ी जो मारो खून बाली अरे भी बढ़ते खून के मैंने तेरे डॉक्टर के बड़े दिखानी पड़ी और ऊपर दवाई पानी का पैसा लागी जिक्का न्यारा तो इनाम तू 4 दिन पी रहे जाप रहे नी जिको ना तो मारो खून बढ़े ना पैसा। साची तो आको ओ मारे मन आरो डाटा क्यों चोरी हुई गयो ए तो है जी की कह रही है। अरे नहीं नहीं साजी मैं देखिया अनक
कि कह दूं काई नहीं नहीं साजी, अरे हूं कोई तीर में तुक्का मार रही हूं क्या? हूं खुद 200 बार नोट कर ली छोरी गई, इतनी सी दिक्कत हो जो थे फट भी ने बेगड़ी चक प्रो पीरे भेज दो। क्यों तू थर दोई पानी का पैसा नहीं लाग जावे, थर्ड कमरिया के मैं थोड़ी देर बाद सो नहीं जावे, रेस्ट नहीं कर ले। अरे और तो और नारी का मैं मुश्किल भरा 4 दिन हुए बंग मैंने भी थे, आई सोचो कि अपना आठ की काम की तय को नहीं 4 दिन फिर भेज दो जी को अपनी टांग ऊंची रे जी टांग सगी जी मैं काय को थाना बे। अरे ये तो मारे मन वाली एकदम सेम टू सेम कह रही है। हर वो झूठ कह रही हूँ तो थारी मांग रहे मैंने बेटा सगो जी मत हाथ रख कह दो कि हमारी बात झूठी है। रखो हाथ को, वाह भाई सगी अच्छी करी ठगी। अरे दंडवत प्रणाम है थाने और थारी सोचने कई की लुगाड़ अंग इतना दिमाग चाले की है बैठा को नहीं और सासु पड़ते तो की ज्यादा ही तेज चल रहा है। अरे मानी का बेननी सगला घर में काम को सारो जाए ई वास्ते ले गावे पर भी बेननी जो सारे की जरूरत है तो वो भी सारो थे ही देओ विटामिन पीरे खाने भेजो। अरे जो थारे इंडे मोटा आंगने ने आपको समझ गया ठंडा ठंडा पानी हो पोचा लगावे तो भी कोई बुखार दुखार चढ़ जाए तो थे भी तो भी ने आपकी समझ गए दवाई पानी दिलाओ बा दवाई पानी खातिर पीरे खाने भेजो। मोर बोले और त्या ना समझे के पीरे में सांझ को नहीं सुना इतनी बात होने लग रही है सांझ गणो ही है दुनिया के हर बाप कने बेटी खातिर सांझ गणो ही होवे पर ओ मारी बेटी रो अपमान है जना इतनी बात करन लाग रही हूं ओ मारी बेटी सागर नौकरानी वाली जो बर्ताव है जना इतनी बात करन लाग रही हूं बात करो। और थाने अगर बहू वाली जगह नौकरानी चीज थी जिकी बीमार हो तो आप रे घर जाप रहे खर्चो लगने जगह हो तो आप रे घर जाप रहे काम नहीं कर सके तो आप रे घर जाप रहे बट वो एकदम सही स्वस्थ हो परो पाची काम पर आज जावे ए बात ही तो थे मैंने पहले ही कह देता काई को मैं देख अरे काई को मैं तो घणी को पर थाऊ की नहीं कह जा चलो कोई बात कौन थाने निराश होने जरूरत कौन थारे मन वाली अब्बाई पूरी कर देवा। अरे गंगू भाई हाँ साहेब। हेलो सगी जी काम वाली भाई कर रहा हो काम दे तो अब ना तो थारा ही कोई हरी बीमारी माता पैसा लागे ना बीमार हुए जो थाने ने पीरे पुगानी पड़ा मत ही जाप रही। हाँ हरी बीमारी में तो मैं इतनी नहीं टिकती चाहे कि इतना ही काम हो ठीक है राम राम। और हाँ मारी छोरी अड़े कोनिया वाला बे हाँ हाँ और गंगू भाई हाँ साहेब ये घर है इनका देख लो और पैसों की बात इनसे खोल के पहले ही कर लेना क्योंकि ऐसे सोच वाले इंसान जम्मा खत्म हो रहे होते हैं। ये क्या आपकी बीनड़ी गिन गए तुम्हारे क्या होंगे पैसे जिम जाएंगे ये ऐसे लोगों से बात क्या करना साहेब मैं झाड़ू बर्तन का 3,000 लेती फुल हाउस वर्किंग का 7,000 लेती और अब आप इनसे पूछ के बता दो कि ये कौन सा पैकेज लेती। तू पैकेज देके सीधा अलगे ने इनसे ही पूछती मेरे को समझ में नहीं आती मैं तो चलती राम राम सखी जी। ए बोले कौन सा पैकेज लेती तू तू परिया मारे का सुनो साजी मैंने माफ कर दो साजी मैं शर्मिंदा हूँ मारी अब सु पहला की सोच पर साजी अब हूँ ले ठेर तक हारी बीमारी चाहे किसा ही मुश्किल भरिया दिन हुए मारी बहुरा बा अठे ही रहसी अठे ही रेस्ट करसी दवाई पानी सब हूँ दिरासु बिना बा एकदम स्वस्थ उसी हस्ती खेलती उसी बी दिन में पीरे भेजसु बिना ताकि बा बैठे रेस्ट करने नहीं घुमाई करने आवे। बस साजी मासूई गिज की गलती ने माफ करो अबे थे करो साजी करो ठीक है सगी जी बहुत बहुत धन्यवाद साजी अबे थे घरे पहुंचो हूं लारे लारे छोरे ने भेजू भी ने लेवन ने ना ना बा बट्ठू अटकवास के नहीं अबे क्यों क्यों साजी क्योंकि बा पहला सुनेट खड़ी है हाँ
हाँ मम्मी जी। ओ, देखो सगो जी किसी बने रही है ठाई नहीं पड़े। थारा डरता का मोरिया बोला जके भी ठा पड़ा होता ना बाकी उन तो घनो पर गली को नहीं हो। ठीक है सगी जी थे करो तेरे साथ सुबह होता ही। राम राम। बाकी साहब जी आ तो माफी मांग ली और जे अगर नहीं माफी मांगती और इन्हें गंगूबाई रूप में स्वीकार कर लेती तो इन्हें मारो कहड़ो हो के तू जीवित की लंपो लगा राजी मालकिन ने बाकी उम्मत ही देख लूं। नहीं नहीं साजी हूं तो यही पूछती गलती तो मारी माफी तो मन्ने मांगनी। अबे आप एकदम निस्पीकर रहो साजी अबे कोई शिकायत कोनी आवे बीसी। मेहरबानी सगी जी आपरी। राम राम। और सुन बेटा आज तेरे सागे अन्याय वाली बात हुई है जन तेरो बाप तेरी पक्ष लेगा ठाए हुए और भविष्य में फेर गति हुई तो फेर भी आसी पर इरो मतलब ओ कतई को नहीं है कि तू सगी जी सामी नशा फुलान लाग जाए और बाबा सा बोलन लाग जाए माला पापा वाली और ना ही कदी तू मेरे लिए जोमगे मायने सास रही घरेलू बात में पीरे मूचक गाई क्योंकि हूँ बेटा जब बीनणी खातर ससू नहीं है तक सुना सकू नहीं तो ससू खातर बीनणी काना नीचे भी सरका सकू। ना 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 बाबूजी ना। हाँ खुश रहे बेटा। राम राम सगी जी।